हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में जानेंगे सीए फाइनल मई 2023 के पास परसेंटेज के बारे में, ग्रुप वन में कितने स्टूडेंट पास करे, ग्रुप टू में और बोथ ग्रुप में कितने परसेंट स्टूडेंट ने अपना एग्जाम क्लियर किया। सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एक लास्ट में आपको एक राय जरूर दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक पहले से ही कर दो आप, ठीक है। अब जानते हैं पास परसेंटेज के बारे में। पहले बात करते हैं ग्रुप वन, फिर ग्रुप टू और फिर बोथ ग्रुप के बारे में। देखिए, अगर आप ग्रुप वन की बात करें तो पहले पासिंग परसेंटेज देख लो 11.91%, ठीक है। इसमें 57,667 बच्चे एग्ज़ाम देने गए थे, 6,795 बच्चे ही पास करे। ग्रुप टू की बात करें तो 61,844 बच्चों ने ग्रुप टू दिया है, जिसमें 19,438 स्टूडेंट पास कर चुके, 31%। कितना ज़्यादा है देखो आप खुद, ठीक है। बोथ ग्रुप की बात करें तो 25,841 बच्चों ने बोथ ग्रुप दिया, जिसमें 2,152 बच्चे ही पास कर चुके, 8.33% इसका पासिंग परसेंटेज है, ठीक है। अगर आप देखो तो आपका जो बोथ ग्रुप वाला रेशियो है ना, परसेंटेज है, बहुत कम है। अगर आप अटक रहे हो दो तीन बार से या अभी भी अटक गए हो, तो मैं आपको एक राय देना चाहता हूँ कि आप पहले ग्रुप वन दो, फिर ग्रुप टू दो, आप क्लियर कर जाओगे। बोथ ग्रुप के चक्कर में मतलब वो देखो, इसमें पास परसेंटेज बहुत कम है। आप ग्रुप वन और ग्रुप टू अलग अलग करके देखो तो सही, एक बार आप आराम से निकल जाओगे। जितना एफर्ट आप डालते हो इसमें, एक बार इसमें देख के देखिए। थैंक यू फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जरूर से जाना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि आपको सीए के रिगार्डिंग यहीं पे बहुत सारी अपडेट देखने को मिलेगी। आपसे हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।